प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। इसे पूरे देश ने देखा है कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। जनता ने इसे देखा और कांग्रेस की सरकार हटाकर बीजेपी की सरकार बनाई। कांग्रेस कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति कर रही है और भाजपा पर पूरे ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन मुद्दा विहीन है। इसका लक्ष्य केवल भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए है। जनता जिन्हें अस्वीकार कर चुकी है, ये विधानसभा घेराव का मुद्दा केवल सरकार को बदनाम करने की राजनीति से प्रेरित रहे। वास्तविकता तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही और पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार सभी सीमा रेखाएं छत्तीसगढ़ में पार करके रख दिया था और उसका परिणाम भी हुआ। जनता ने इसको देखा और जनता ने और इसका परिणाम भी दिया सरकार से हटा के। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के सुशासन में और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कि बहुत ही स्वच्छ पारदर्शी सरकार, जनता के हितों की सभी प्रकार से सुरक्षा करने वाली सरकार। और अभी तो ये आचार संहिता लगने के बाद आप देखिए किस तेजी से सभी काम सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी तक तो उन्हीं की जवाबदेही होनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ को जिस चौराहे पर खड़ा करके रखा उन्होंने, और आज पॉलिटिकल उसके लिए इस तरीके से ये घेराव और ये धरना और ये प्रदर्शन, तो जनता तो समझ रही है, सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में और सभी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से व्यवस्थित करके चलेगी। थैंक यू, थैंक यू। मुद्दों के अभाव में संघर्ष कर रही कांग्रेस आज एक प्रदर्शन जो करने जा रही है वो मुझे लगता है कि उसमें असफल रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल को यदि आम जनता के बीच में विश्वास हासिल करना है तो उन्हें ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। जो कांग्रेस आज विधानसभा चुनाव में हार, लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, उसकी समीक्षा करने की जिनको ताकत नहीं है, वो बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए एक नाकामयाब प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को यदि स्थापित होना है तो वो आम जनता के मुद्दों को लेकर काम करे, लेकिन उन मुद्दों पर काम करने के पहले अपने घर को ठीक करे, जिस घर की ताकत से वो संघर्ष करना चाहती है। आज कांग्रेस में इतनी फूट है कि कोई नेता एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। एक परिवार के पीछे चलने वाले, गांधी परिवार की चाटुकारिता करके अपनी राजनीति को चमकाने वाले लोग आम जनता के मुद्दों पर कोई संघर्ष नहीं करते हैं। और यही कारण रहा कि भूपेश बघेल जी भी जब सरकार में थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास किया। जनता ने उनको बदनाम करके बाहर का रास्ता दिखाया है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि एक राजनीतिक दल अपने आप को मानती है तो ईमानदारी के साथ में अपने पार्टी को ठीक करे और फिर मुद्दों के साथ में आए। आज का विधानसभा का प्रदर्शन अपने को जीवित रखने का प्रयास है कि हम भी एक राजनीतिक दल के रूप में इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।